हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। डर मत जाना यार, मैं ही हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करते करते ही मैं रेडी हो जाऊँ, आप लोगों को पता चल जाए कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो मेकअप कैसे करती हूँ, क्या कुछ मेरे फेस पे होता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, अगर नॉर्मली मेरा वीडियोज होता है जैसे चिट चैट टाइप का या फिर कोई हॉल वीडियो होता है तो उस टाइम मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नहीं बताने वाली हूँ, बस ऐसे ही आपको स्टेप दिखाने वाली हूँ। नहीं तो कई लोगों को लग जाता है ना कि मैं प्रोडक्ट रिव्यू ऐसा कुछ करने बैठी हूँ, और स्पॉन्सर्ड है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि दीने टाइटल कुछ और दिया है और दिखा कुछ और रही हैं। डोंट वरी, अभी हम आते हैं उस टॉपिक पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लगा ले। चलो मैं थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि लगा रही हो बता ही नहीं रही हो तो फायदा क्या है। मैंने टोनर के लिए यूज किया गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। अब इसके बाद हम यूज कर रहे हैं न्यूट्रीडर्म का विटामिनी मॉइस्चराइजर लोशन, आप देख सकते हो। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर लोशन है। इसे लगा लेने के बाद फेस पे इतनी प्यारी सी साइन आ जाती है, ग्लो आ जाता है कि काबिले तारीफ है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, खुद ही देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं लगाया, बस टोनर और क्रीम। इसमें विटामिन ई है तो विटामिन ई इसकी आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करती है और आपके फेस को काफी लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज रखती है। ओके, देखिए बस अब मैं मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी। इसके बाद हाँ, लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यस्क्यू की अमनीज लिपस्टिक शेड नंबर आई ओकअप लाइक दिस यूज कर रही हूँ। थ्री आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज करती हूँ मैक का ब्रो सेट। इतना ही होता है मेरे फेस पे। अगर आप ना मॉइस्चराइजर तलाश रहे हैं तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजर लोशन। ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है, समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, किसी भी सीजन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। अब चलो बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे, हम हमारा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलो आते हैं मेन पॉइंट पे। ये देखिए 2.9 के लाइक्स हैं इस पोस्ट पे 3 मंथ्स एगो। देखिए प्रियादीप की कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाली थी, इसमें 444 क्वेश्चन है। सबका रिप्लाई कर पाना या सबका नाम ले पाना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट मैं कोशिश करूंगी। इसमें से मैं मेन जो टॉपिक है बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबका नाम ले पाऊं। अगर नहीं ले पाऊंगी तो माफ करना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कब से सबसे ज्यादा उस पर लाइक्स मिले हुए हैं, दी आपकी यूट्यूब सैलरी कितनी होती है मंथली, तो इस पे वीडियो जल्दी आने वाला है, मैं विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगी। 100 लोगों ने लाइक किया है, यहां पर स्क्रीन शॉट डाल दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद दी मेरे सवाल, पूजा सिंह ने पूछा है आपकी शादी कब हुई, 2012 में लव मैरिज या अरेंज, इसको तो मैंने बताया हुआ है अरेंज है। इसके बाद आप शादी से पहले भी इतना अच्छा मेकअप कर लेती थी? नहीं यार, धीरे धीरे सीखी हूँ। और चौथा, आपने कोई कोर्स किया? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। क्वेश्चन इनका यह है कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे हो, इतनी स्वीट कैसे हो? तो थैंक यू, ये आपका नजरिया है। बहुत लोगों को तो मैं काफी ज्यादा रूड और बदसूरत चुड़ैल भी लगती हूँ, बट ये आपका नजरिया है पूजा सिंह मुझे देखने का। और जीजू ने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया है? तो दीप ने मुझे पहला गिफ्ट क्या दिया, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद संजना संजू ने पूछा हुआ है, आपने YouTube की शुरुआत कैसे की, कैसे आया दिमाग में कि YouTube पे करियर बनाती हूँ, प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन दी। एंड जिसका क्वेश्चन आप लोगे नाम भी लेना प्लीज दी, अच्छा लगेगा हमें। लव यू टू संजना संजू। तो फर्स्ट आपने YouTube की शुरुआत कैसे की,
सच बताऊं मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए 2 से 3 साल, 3 साल शायद हो गया है। मैं देखती थी nisamadhulika.com, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो उन्हीं का चैनल देख के मैंने कुकिंग सीखी। और सारा दिन जब मैं बैठी रहती थी ना, मैंने काफी सारे ब्लॉग्स भी देखे हैं, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी, उनका नाम मेंशन करना चाहूंगी। मुझे इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल काफी ज्यादा पसंद है, मुझे उनके ब्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं। मैंने जब उनका चैनल देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि यार यूट्यूब पे अपनी डेली रूटीन, पहले ना मॉर्निंग टू नाइट ऐसे अपना सारा रूटीन दिखाती थी, तो मुझे लगा कि जब इनकी रूटीन हमें देखने में अच्छी लग रही है तो शायद मेरी रूटीन भी किसी को पसंद आए। तो मैं स्टार्टिंग में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब दिखाती थी, बट लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि मैंने ऐसे ही रैंडमली एक मेकअप लुक, मैं साई स्टाइल को देखती हूँ, साइमा को, उनका मेकअप वीडियोज मुझे अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में भी मैं उनको देखती थी, तो मैंने कहा कि इतना अच्छा मेकअप कर रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, शायद मेरा भी मेकअप लुक लोगों को पसंद आए, तो मैंने भी मेकअप चैनल स्टार्ट करा। प्रियादीप, पहले मेरे चैनल का नाम था प्रियादीप ब्यूटी केयर, बट बाद में मैंने इस चैनल नेम को चेंज कर दिया, मैंने प्रियादीप रख दिया ब्यूटी केयर। मुझे लगता था यार पार्लर थोड़ी ना है, चैनल है तो नाम चेंज कर देना चाहिए, इसलिए मैंने चैनल नेम चेंज कर दिया। आज वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्लीज इग्नोर कीजिएगा, आई नो आप लोगों को काफी कुछ मेरे बारे में नया जानने को मिलेगा। इसके बाद डियर शॉपिंग एंड ब्यूटी, इनके चैनल का इतना ही दिख रहा है। डियर, बहुत से लोगों से सुना है आपके बारे में कि आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करती हो, क्या ये सच है? तो मैंने इनको रिप्लाई ही कर दिया है, शॉपिंग एंड ब्यूटी विथ अर्चना झा, अच्छा इनका नाम है, मैंने लिखा है हा हा। आप लोग बताओ आपको क्या लगता है मैं दिखावा करती हूँ? आपकी एजुकेशन कहाँ तक की है? सेजल कोरी ने बोला हुआ है। तो सेजल जी, मेरी एजुकेशन जो है पीजी कंप्लीट है, मैंने सोशियोलॉजी से पीजी कंप्लीट की हुई है। कई लोगों को लगता है कि जब मेरी शादी 12th में हो गई थी, जब मैं 12th में थी, तो मैंने पीजी कैसे कंप्लीट करी, मैंने झूठ बोला हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शादी के बाद भी, कौन बोलता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शादी के बाद ही मैंने पीजी कंप्लीट की हुई। इवन मेरी पीजी अभी जल्दी में कंप्लीट हुई है, आई थिंक 3 साल पहले, तो यही है। इसके बाद नेहा किचन पूछ रही है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, माई क्वेश्चन, वैसे आपकी फैमिली मेंबर सपोर्टिव है, ए हम सब ने देखा है, बट विलेज के लोगों की वजह से आपको काफी परेशानी होती है, सो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और यूट्यूब में से किसी एक को चूज करने को बोला गया हो विलेज के लोगों की वजह से, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आपको कभी? आई होप आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। नेहाज किचन, डियर मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है, लोग क्या बोल रहे हैं वो कभी उन पे नहीं जाती है, तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि चैनल आप बंद कर दो। मेरे विलेज के लोग, मेरे गांव के लोग काफी बार मेरे पापा से, मेरे ससुर जी से काफी कुछ बोल चुके हैं, बट नहीं, मेरे पापा जी ने कभी उनसे नहीं बोला। अभी तो मेरे पापा में इतना गर्व आ गया कि अच्छे से रिप्लाई कर देते हैं, पहले था सुनते थे हट जाते थे, लेकिन अभी जब मैं गई थी घर 2 महीने रह के आई हूँ, तो पापा ने अच्छे से देख लिया है मैं कैसे क्या करती हूँ घर में बैठ के, कैसे क्या करती हूँ। पहले पापा को भी लगता था कि क्या कैसे, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं बोला। और मेरे जो जेठ जी हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, अगर पापा के मन में कभी कुछ आया भी तो मेरे जेठ जी उनको समझा लेते हैं। पापा जी मुझे कभी कुछ नहीं बोलते कि नहीं तुम चैनल बंद कर दो, गांव वाले ये बोल रहे हैं, गांव वाले वो बोल रहे हैं। देखो गांव वालों का क्या है, वो तो हमेशा आपको पीछे खींचेंगे ही ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली मुझे कभी नहीं बोलती कि तुम चैनल बंद कर दो। इसके बाद गरिमा त्रिकोटी, हाउ मच यू अर्न नाउ फ्रॉम यूट्यूब, प्लीज टेल अश, आई वांट टू नो अमाउंट एंड आई लव यू टू, जल्दी वीडियो आ जाएगी। इसके बाद मोन नंदनी, क्या कभी शादी से पहले किसी पे क्रश हुआ है आपका, प्लीज बताओ ना दी। यस क्रश, यस यस यस, गुरमीत चौधरी। उनका मैं एक सीरियल देखती थी, गीत हुई सबसे पराई ना, गीत हुई सबसे पराई शायद यही सीरियल का नाम था। इस सीरियल को देखने के लिए मैं स्कूल से भागती भागती आती थी कि मुझे सीरियल देखना है। अब स्टार्टिंग से लेके अभी तक, इवन मैंने जब मेरे हस्बैंड को बताया था ना कि मुझे गुरमीत चौधरी हद से ज्यादा पसंद है, और मैंने उनको दिखाया तो बोल रहे बंदा तो मुझे भी अच्छा लगता है। यस क्रस वही है। इसके बाद दी, आपकी यूट्यूब सैलरी कितनी है? ओ माय गॉड, मैंने बताया डियर, मैं बता दूंगी। ब्यूटीफुल एंड लविंग, हाई मैम रिक्वेस्टेड वीडियो, आप क्लास सिखाओ बेसिक से ब्राइडल तलक।
क्वेश्चन, आपके हेटर बहुत है लेकिन लवर भी कम नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करते हो सब? देखो क्वेश्चन, मेकअप में सब आपको पहले से इंटरेस्ट था क्या शादी के लिए, शादी के पहले? तो मेकअप में इंटरेस्ट मुझे हमेशा से था, और रही बात हेटर एंड लवर की, तो मेरे लवर काफी ज्यादा हैं, बट कभी कभी हेटर इतने ज्यादा ना इतने ज्यादा परेशान कर देते हैं कि हमें रिएक्ट करना पड़ जाता है, बट फिर मेरे यही जो लवर है मुझे समझाते हैं दी ऐसे करके कि छोड़ो यार जाने दो, इन पे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, जब पानी सर के ऊपर जाता है तो मैं रिएक्ट कर देती हूँ। इसके बाद राहुल ज्योति बाग, प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा है ऐसा है इनका। इसके बाद हाय दी, अपने बेबी को और यूट्यूब वीडियो दोनों को कैसे मैनेज करती हो? बेबी को आप टाइम पे स्टडी भी कराती हो, फैमिली को भी टाइम देती हो, कैसे करती हो आप इतना बिजी होते हुए भी? प्लीज इस पर एक वीडियो बनाना। टॉक 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 क्या लिखा हुआ है इनके चैनल का नाम, टॉक ट्यू रे न्यूज ब्लॉग्स। सायरा अंसारी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, इवन ए यूट्यूबर थी, अभी चैनल अपना बंद कर दी हैं। जब आपने फर्स्ट वीडियो अपना शूट किया था और जब यूट्यूब पे अपलोड किया था तो कैसी फीलिंग थी आपकी दी, और दिल और दिमाग में क्या चल रहा था प्लीज बताएं दी। सायरा अंसारी सच बताऊं तो मैंने फर्स्ट वीडियो कब रिकॉर्ड किया, कब यूट्यूब पे डाला, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, और मुझे मेरे दिल में कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं यूट्यूब को सच बता रही हूँ, मुझे पहले नहीं लगता था कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इवन मैं बिना पैसे के, मेरे चैनल काफी टाइम पहले मोनोटाइज हो गया था, मैंने मोनोटाइज भी नहीं किया था, वो तो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड डीआरएफ अनुराधा शाही ने ही बताया था, तब मैंने उनके कहने पर चैनल को मोनोटाइज करा था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बस हाँ मेरा था कि लोग देखें, लोग अच्छा रिएक्ट करें। स्टार्टिंग में मुझे इतना भी नहीं पता था कि कमेंट को रिप्लाई कैसे करना है, कमेंट का रिप्लाई कैसे करना है हमको, तो मैं ना कमेंट बॉक्स में जाती थी, अगर कोई कमेंट देखती थी उसको टच करके रिप्लाई ना करती थी, मैं क्या करती थी कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देती थी, खुद से ही रिप्लाई कर देती थी। निहारिका पूछ रही हैं दी, अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? लव फ्रॉम निहारिका। यूट्यूबर ना होती तो क्या होती, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। शादी से पहले जीजू से मिले हो चोरी चोरी? मून नंदनी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर अरमान दी, आप सब कुछ तो हम लोग साथ शेयर करते हो फैमिली की तरह। दी लव यू, लव यू, लव योर मेकअप स्किल एंड आई रियली लव योर नेचर, योर वॉइस, यू आर द बेस्ट यूट्यूबर, और हम आप लोगों से कुछ नहीं छुपाते, यही बात अच्छी लगती है। रिस्पेक्ट यू फ्रॉम मिडिल ऑफ माई हार्ट, आई लव यू दी स्टेबलेस, बी हैप्पी ऑलवेज, माई गॉड गिव मोर सक्सेस एंड फुलफिल और योर ऑल विशेस, प्रियादीप लवर, प्रियादीप लव यू डियर। इसके बाद शिवानी पुरी दी, आपके घर में सब आपके और आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी को बुरा नहीं लगा यूट्यूब से? मेरी फैमिली में किसी को कभी बुरा नहीं लगा। दी आपकी क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, पीजी दी। आपका घर का रेंट कितना है और आप दूसरा बेबी कब करेंगे? प्लीज बताना दी, लव यू, आपको बहुत प्यार करती हूँ मैं, आपको बहुत प्यार करती हूँ। सुमन मीना ने पूछा हुआ है आपके घर का रेंट, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ सभी लोग आपने उनको इतने में दिया ऐसा करेंगे, और रेंट हम बता भी नहीं सकते, एग्रीमेंट में साइन हुआ रहता है कि आपको ये बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है, तो सॉरी। एंड सेकेंड बेबी बिल्कुल नहीं। सेम क्वेश्चन तब्बू खान ने पूछा हुआ है, काफी सारे लोगों ने लाइक करा हुआ है सेकंड बेबी से रिलेटेड। एक ये है मंजू दुष्यंत, ये भी यूट्यूबर है, मुझे काफी प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, इनका कमेंट्स ना सारी की तरह होता है जो कि दिल को काफी ज्यादा छूता है, तो इनके भी कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी। जमीन से जुड़े रहकर आसमान छू लेना बहुत बड़ी बात है, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है, ये समझ आ गया आपके वीडियोस देखकर, बहुत आगे जाओ, यही प्रार्थना है उस ऊपर वाले से। आपकी सबसे अच्छी बातें हैं कि आप हर माहौल में रच बस जाती हो। थैंक यू सो मच मंजू दुष्यंत, इन्होंने कुछ पूछा नहीं था बट इनका कॉमेंट अच्छा लगा इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया। इसके बाद आपके हबी की करते हैं आपकी YouTube इनकम और YouTube चैनल बनाने के बाद आपको अच्छा रिस्पांस आया था? कब रिस्पांस आया था? अच्छा,
ये है प्रिंसेस आयजा, ये पूछ रही है आपके हबी की काम करते हैं? तो डियर मेरे हबी बैंक में है और बैंक का नाम मैं नहीं बता सकती हूँ, पोस्टेड है सीतापुर में, अभी ब्रांच बंद है क्योंकि मेरे हबी का जो काम है वो एग्री डिपार्टमेंट का है, फील्ड वर्क देखते हैं तो अभी फील्ड में नहीं जा सकते हैं ड्यू टू COVID-19 इसी की वजह से। और यूट्यूब सैलरी कितनी है मेरी ये तो मैं आपको जल्दी बता दूंगी। और नबाम सेनिया दी, आपका घर कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट हुआ तो होम टूर दिखाइए जी, नहीं अभी नहीं हुआ है। इसके बाद उमा हशाम पूछ रही हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन? तो डियर मेरी सी सेक्शन है। इसके बाद आप इतनी स्वीट क्यों हो? मरियम बानो पूछ रही है, हाय प्रिया मेरा क्वेश्चन है कि आप इतनी स्वीट क्यों हो? आपकी आप ना आपकी नजरों का कमाल है, आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप में मेरे अंदर कोई कमी नहीं दिखती, इसीलिए मैं आपको स्वीट दिखती हूँ। एंड तानिया अग्निहोत्री पूछ रही है, हेलो दी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की और आपको कितने अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े ये सब स्टार्ट करते हुए? जीजू ने आपसे कभी रोक टोक नहीं की या सब ये सब करने के लिए? और फिर जीजू ने आपको कैसे सपोर्ट किया? और दी आपके बारे में बहुत कुछ पूछना है बट इतना सब कैसे पूछ सकती हूँ? लव यू दी, आई होप कि आप रिप्लाई देंगे मेरे क्वेश्चन का। तानिया अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो लव यू बहुत सारा। और चलो मैं आपका बता देती हूँ, अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा देखने को मिले मेरे इस यूट्यूब जर्नी में। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं देखने को मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। बट मैं एक चीज में बिलीव रखती हूँ, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो अगर आप मन के हारे हार जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है, तो हमें उस पॉसिबल को इम्पॉसिबल में ढूंढना है, तभी हम आगे जाएंगे। और रही बात जीजू की, तो जीजू ने कभी रोक टोक नहीं करी कि तुम्हें यूट्यूब पे नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। जैसे कि आपको पता ही है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के जो बॉयज होते हैं वो इतना सपोर्टिव नहीं होते हैं कि ए मत करो मत करो। बट आई एम सो लकी कि दीप ने मुझे कभी रोक टोक नहीं करी और फुल सपोर्ट करते हैं। ऐसा मतलब कभी मेरे वीडियोस में नहीं आते, सपोर्ट मतलब यही है कि वैसा उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया कि मेरे वीडियोस में आए, मेरी हेल्प कराए, ऐसी सपोर्ट उन्होंने कभी भी नहीं करी। सपोर्ट इन द सेंस कि उन्होंने मुझे कभी किसी के कहने पे पीछे पीछे नहीं, ऐसे नहीं खींचा कि नहीं तुम्हें ऐसे आना है। जब एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब चैनल को लेके काफी ज्यादा मेरी फैमिली में हो गया था, गांव वालों ने बताया था, मेरी सासू मम्मी ने काफी बहस करी हुई थी, तो दीप ने और मेरे जेठ जी ने मिलकर समझाया हुआ था उनको। तो दीप हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। तो ये थी वो सारी बातें, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं मिले जुले हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरे बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपकी शादी 12th में हो गई है तो आपने पीजी कैसे कम्प्लीट करी? तो शादी के बाद मैंने मेरी स्टडी लगातार रखा हुआ है, फिर मैंने मेरी पीजी कम्प्लीट की हुई है। ऐसा नहीं है कि शादी हो जाए तो आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये थे वो सारे सवाल गाइस जो आप लोग जानना चाहते थे इसका आंसर। तो आज मैंने आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे दिया। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कर दे। और रही बात सेकंड बेबी की, तो अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है, इन फ्यूचर राम जाने अभी कुछ ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव गाइस।